चलते चलते बात कर रहे हैं, चलने में बात कर नहीं कर लेते फिर भी कोई बात नहीं, अपना कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग वंस अगेन। और आपको दिखा रही हूँ मैं यहाँ पे हमारे शूट की लोकेशन, कैसे हम लोग शूट कर रहे थे। ये बिहाइंड द सीन्स है और जानती होगी काफ़ी दिन हो गए व्लॉग डाले, बट अब फिर से रेगुलर हो जाएंगे। ये सेशन बहुत मज़ेदार होने वाला है क्योंकि मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हम जब कैमरा में रोल करते हैं यानी कि शूट कर रहे होते हैं तो क्या बोलते रहते हैं पीछे से। एक्शन, स्माइल। हाँ, आंटी की तरफ जाओ कैमरे में। तो आपको समझ आ ही गया होगा और देख के मज़ा भी आ रहा होगा कि हम लोग किस तरह से पीछे से बोलते हैं ताकि आर्टिस्ट एक्सप्रेशन दे, यानी जो कैमरा मैन होता है। तो यहाँ कैमरा मैन फिलहाल के लिए मैं थी। स्माइल। तो दोस्तों डायलॉग भूल गई। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। दिस इज मी सिंगर मदर और आज का दिन है बहुत स्पेशल। सुबह सुबह हम उठ गए 6 बजे, नहीं हाँ 6:15 और हमने की आज शूटिंग। शूटिंग के लिए हम जगह, और ये मेरा मेकअप उसी के लिए है, और ये लेखना जी हैं, इन्हीं का प्रोजेक्ट है जो हम सब ने मिल के किया है। सिर्फ ये सिर्फ पॉसिबल हुआ है योगिता के कारण, क्योंकि उसने मुझे इतना प्रेशर बनाया और मुझे था कि नहीं करना तो है लेकिन फिर कभी करेंगे, बट शी मोटिवेटेड मी, इंस्पायर्ड मी, एनकरेज मी लाइक एनीथिंग। बिकॉज लव यू, बिकॉज आई बिलीव टैलेंट को हिडन नहीं रहना चाहिए, टैलेंट को ग्रो करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको दबाएंगे एक बार तो वो दबता ही जाएगा। और लेखना जी इतनी सुपरली टैलेंटेड हैं, वो मतलब थिएटर डिपार्टमेंट में HOD भी रहे हैं, टीचर, प्रिंसिपल, क्या बताऊँ आपको, और एक्ट्रेस तो हैं ही। मतलब तो इस चीज़ को छुपना नहीं चाहिए, इसको निकल के आना चाहिए। इनकी वजह से कितने लोग का कल्याण हो सकता है। और जो एक्टिंग लाइन में ये है, हाउ स्वीट। तो एक्टिंग लाइन में जो भी आना चाहते हैं उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेंगी, इसलिए ये हमने किया है। और आप देखोगे जल्दी वैलेंटाइन पे ये रिलीज हो रहा है। ओके, तो शूटिंग के आपको क्लिप्स हम बाद में दिखाएंगे, जस्ट इतना जान लीजिए कि बहुत अच्छा हुआ है। बाय। तो लास्ट व्लॉग में मैंने अपनी शॉर्ट फिल्म का लिंक डाल ही दिया था, इसमें भी डाल दूंगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है या मिस किया है तो डू वॉच। और ये छोटा सा प्रैंक क्लिप है जो इन दोनों के ऊपर हम लोगों ने शूट किया। और यहाँ राधा गा रही थी, अम्मा देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए, जैसे कैमरा ऑन किया शर्माने लगी। जिन्होंने पुराना व्लॉग देखा है उन्होंने देखा होगा कि आध्या इस मैट में से उन एलिमेंट्स को निकालने की कोशिश करती है, उसको लगता है कुछ चीज़ रखी है तो उनको कैसे घूर रही है और उसको निकालने की कोशिश में लगी रहती है। शाम को हम करने वाले थे एडिटिंग तो उसी लिए लेखना जी आई थी और आध्या उनसे बतिया रही है, देखो भाई ऐसा लग रहा है जैसे पूछ रही है कि मेरे बड़े पापा कहाँ हैं। जल्दी से राधे राधे कर दो, है ना, लौटे लौटे कर दो। उसी टाइम अर्जेंटली भागना पड़ा क्योंकि राधा बहुत रो रही थी, उसको हो रहा था पेट में काफी दर्द और डॉक्टर ने बताया कि कुछ नहीं, उसको गैस्ट्रिक हुआ, एसिडिटी हुई है। क्या हो रहा है, राधा मौसी को सुई लगा रहे हैं। पहले मुझे लगा ये बच्चे बिना वीडियो देखे झूमे पटान ये कैसे कर रहे हैं, पर एक्चुअली पास जाके देखा तो सामने एक मोबाइल रख के वो लोग झूमे जो पठान के स्टेप सीख रहे थे। ये मैं ले रही हूँ यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिंस।
चलो चले बैठेगी और तो आप लोग देख ही सकते हो सच में उसकी हालत काफ़ी ख़राब हुई थी। और एक्चुअली उसने खाया था मसाले वाला पुलाव और उसको हमेशा मैं बोलती हूँ तुम मसाले मत खाया करो, पर मानती नहीं है, उसी से हुआ ये। इधर रख दो। ये भी क्या हो गया आपको, हुआ क्या है? नहीं हुआ क्या है? क्या हुआ बेटा को? क्या हो गया? क्या हो गया? रो रही है अभी आधे अपना मुंह पटक पटक के। क्या हो गया? रो रही थी जमीन पे, पता नहीं क्यों मुंह पटक रही है अपना, फिर होंठ की तरफ से फिर उल्टा लिटा आया तो सर पटकने लगी। अभी अगर कैप्चर कर पाई तो दिखाऊंगी। लेट जाओ। अच्छा लेट जाओ। चलो चलो नीनी कर दो। हाँ चलो सो जाओ। जस एक मिनट के लिए इधर उधर हुई हूँ मैं और ये शो। क्या हो रहा है ये? तो नहीं 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 बच्चा, नहीं नहीं बच्चा, क्यों कर रहा है? नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं नहीं बच्चा, नहीं बेबी, नहीं करना। नहीं 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 बच्चा को लग जाएगी ना अनुज। मुझे फिर लगा शायद उसको सर्दी है इसलिए वो गुस्सा दिखा रही है, बहुत चीड़ हो रही है उसको, इरिटेशन हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं बेटा नहीं 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 बच्चा, क्या हो गया? मुझे पता है तबीयत खराब है, जाएगा बच्चा। मे भी आपको लग रहा होगा मैं गोद में नहीं ले रही उसको, लेकिन वो गोद में भी नहीं आने को राजी थी, जस्ट उसको पता नहीं क्या हो रहा था, इरिटेट हो रही थी बस। माय क्रेविंग फॉर नूडल्स। आध्या की तबीयत आज थोड़ी खराब है, पर वो उसको बाहर घूमने जाना है, उसको बाहर जाना है वॉक पे, और इवनिंग है और शाम के टाइम हवा चलती है। शाम के टाइम ही मतलब वॉक पे जाना, आप समझ रहे हो, इट्स रिस्की फॉर हर, बिकॉज कल राधा को मैं डॉक्टर के पास लेके गई थी। बाय बाय। राधा को मैं डॉक्टर के लेके गई थी तो तब शायद से एक्टिव आप उसको हवा लग के थोड़ा उसको सर्दी हुई, पर अभी मुझे फिर डर लग रहा जाऊं कि नहीं, और वो कितनी रेडी है, राधा को बैठने भी नहीं दे रही है, उसको बाहर जाना है, क्या करूं मैं, समझ नहीं आ रहा कुछ। चले चलो रिस्क ले ले, ठीक है चेक करते हैं, पार्किंग से ही चेक कर लेंगे, अगर हवा होगी तो हम लोग फिर लौट के आ जाएंगे, क्या कर सकते हैं, बच्चा है। देख ही सकते हो कि आध्या को सर्दी है, ग्राउंड फ्लोर ही नहीं दवाया, ये दवाया ही नहीं, आ गया। हवा तो नहीं है तो हम वॉक का जो आइडिया हमारा था वो सही निकला। फुटबॉल का बहुत अच्छा खासा मैच चल रहा है और ये क्रिकेट का यहाँ पे। दोनों मरीज, दोनों मरीज। राधा का मुंह
इन सबके टी शर्ट्स पे इनके नाम लिखे हुए हैं। ओ, अब जाके हंसी है थोड़ा। जल्दी जल्दी बीमार होती है ना तो बहुत खराब लगता है। चार महीने में चार बार बीमार हो गई, अच्छा नहीं लगता। वो बोलते हैं कि नहीं, लेकिन आंटी मेरे को मेरे मेरे भी आप में बोल रही थी वीडियो देख पूरा रोज आपकी अपनी पत्नी। आपने हस्बैंड से मांगा या हस्बैंड ने आपको डांटा उसके लिए? मैंने हस्बैंड से मांगा था तो सब बोला हमारा वीडियो देख के जाए। पता है मेरे को ये बोलते हैं कई लोग कि अच्छा है, बहुत अच्छा वीडियो है, मैंने अपनी बीवी को तुरंत फॉरवर्ड किया। जेंट्स के लिए भी फायदेमंद हो गया, लेडीज के लिए भी हो गया क्या? लेकिन लेडीज लेडीज का लॉस स्टिल सम लेडीज आर फेवरिंग। हाँ नहीं नहीं, उस वीडियो की वजह से अगर हस्बैंड डाउट कर रहा है ना थोड़ा, तो जो लेडीज है वो कह रही है नहीं हम ये लेडी नहीं, हम ये वाली लेडी है, हम थोड़े में ही खुश है। नहीं बातों से आप समझ ही गए होंगे हमारी मूवी का रिव्यू चल रहा है यहाँ पे। लोगों को बहुत पसंद आई, हमारे जो भी नेबर्स और जो बिल्डिंग के लोग हमें जानते हैं उनको बहुत पसंद आई हमारी मूवी। रिव्यू से आपको कैसा लगा? मस्त लगा। ये सब दिल सचाने वाले लोग हैं भाई, और सच में खुशी होती है। फिर घर जाने में दिक्कत आई बिकॉज आद्या को शिवेंद्र भैया को नहीं छोड़ना था दूर से। सुर मिलाऊंगी लेकिन पास नहीं आऊंगी। आ जा बेटा, आ जा मेरे पास, मेरी जानू। अबे लेट करेगी। अरे ले, मेरे को बहुत सारा काम करना, आके खड़े होंगे। अरे वो तो दिखा, डॉगी 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 भागो जल्दी जाओ, डॉगी 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 डॉगी। यहाँ हो रहा है आद्या का डिनर और हमारा डिनर था लेखना जी के यहाँ। हमें कुछ करनी थी इम्पोर्टेंट डिस्कशंस रिगार्डिंग आर नेक्स्ट शूट, तो हम सब ने यही डिसाइड किया कि वहीं मिल लेते हैं लेखना जी के डेरे में। और हमारी फुल पैकेज ऑफ कॉमेडी डांस एक्शन रेडी है, देखिए उसकी कलाकारी आफ्टर द डिनर। अब ये देखो बड़ी मम्मी और बेटी का ड्रामा शुरू हो गया राधा के ड्रामा के बाद। क्या बोलना ज्यादा, अभी तक तो बहुत आवाज निकल रही थी तेरी। डर रही क्या? देख के आगे। नहीं नहीं डरा रही है, देख लो क्या डांट दे। डांटूंगी तेरे बड़े पापा की पिटाई करूंगी अच्छे से। हाँ पहले एक्चुअली लेखना जी शिवेंद्र भैया को डांटने का नाटक कर रही थी, तो ये आद्या उनको डांटने लगी और फिर लेखना जी ने बाद में आद्या को डरा दिया। अब डर गई। आ जा बेटा, अब भी दे दे मेरे को जल्दी से, अब फटी फटी। आ जा, अब फिर शुरू हो गई डांटना। क्या पटाने आई थी तू मेरे को? पटाने आई थी, पटाने आई थी मेरे को, पटाने आई थी। हाँ क्या है बोलना तुम्हें?
समझ नहीं पा रही, बच्चे कुछ बोल नहीं पाते, बड़ी दया आती है ना, कुछ तो बोलना चाहते हैं अपनी बात से। प्यार कर दो, किसी कर दो, किसी कर दो, कर दो बेटा, डर रही है, डर रही। डांटूंगी तुमको अच्छे से, तुम्हारी पिटाई कर दूंगी। नहीं पूरा समझ रही, आप उनको डांट रहे हो और इसको खराब लग रहा है, इसको अच्छा नहीं लग रहा है, और इसीलिए वो लड़ने आई थी मेरे पास। हाँ। लड़ने आई थी। अच्छा प्यार कर दो, बड़ी उनको ना अच्छे से बताने वाली हो। बोल मिलो बुझ, तुम हंस देते इसलिए, तुमको ना अच्छे से अच्छा उसको गुस्सा कितना। हाँ। ज़्यादा लड़ाई कर दो, ये मुझे कह रही है इन दोनों को लड़ने देते हम तमाशा। ओ सामने से आई है, क्या 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 गुस्सा दिखा रही है मुझे, पिटाई करूंगी तेरे बड़े पापा की। मुझे कह रही है आप बोलो क्या हो गया बेटा, ये मार रही है बड़ी मामा, मार रही है क्या? ओह क्या है, बालकनी व्यू देखी क्या है? हाँ हाँ अच्छा, मैं डांट रही हूँ, मैं डांट रही हूँ, फट रही है, भाग रही है। अच्छा क्या हो गया, ये क्या चल चली है, हम लोग ना दोनों कल जैसे देर चली बात किए थे ना, वैसे वैसे बात ही करेंगे, अभी बड़े पापा का रोल खत्म कर देंगे हम लोग। हाँ हम लोग दोनों घूमने जाएंगे है ना, और घूमने जाके क्या करेंगे पता है, वहाँ पे वो जो बड़े बड़े झूले है ना उसमें बिठाऊंगी, और सब फिनिश करके घर की ओर चल दिया हम लोग पार्किंग एरिया से, और ये सो रहे देखिए हमारे वॉचमैन साहब। इसी के साथ मैं ये ब्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, लव यू ऑल, जय माता दी, बाय।